वेलकम यू ऑल इन द बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इंसर्ट मार्क्स एंड कैलकुलेट परसेंटेज। आज अपन बात करेंगे कैसे अपन मार्क्स इनपुट करते हैं और कैसे परसेंटेज है वो कैलकुलेट करते हैं। देन फर्स्ट क्लिक ऑन फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट न्यू फाइल। एंड सबसे पहले क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट करते हैं टू कैलकुलेट परसेंटेज। देन ये मैंने डबल कोटेशन में दिया है, ये एक मैसेज होगा जो प्रिंट करेगा टू कैलकुलेट परसेंटेज। नेक्स्ट क्या करते हैं, अपन अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले सपोज दैट मैंने यहाँ पर लिखा मैथ्स, देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन फ्लॉट। देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया है कि फ्लॉट इंसर्ट करने का मतलब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो आपका मार्क्स अपन इनपुट करेंगे वो फ्लॉट में चेंज हो गए, देन क्या किस में जाएंगे, मैथ्स वेरिएबल में जाएंगे। इट मीन जो भी आप मार्क्स इनपुट करोगे वो किस में चले जाएंगे, मैथ्स के अंदर चले जाएंगे। मैथ्स यहाँ पे क्या है, वेरिएबल। देन इसके अंदर मैंने लिखा इनपुट, और इनपुट के अंदर अपन मैसेज इंसर्ट करते हैं कि इंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स। जैसे अपन ने मैथ्स के जो मार्क्स है वो इनपुट करें, वैसे अपन अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट करेंगे अलग अलग वेरिएबल बनाकर। देन जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे किया आईपी, मैंने यहाँ पे किया फ्लॉट एंड वही इनपुट, और देन यहाँ पे एक मैसेज अपन दे देते हैं इंटर द मार्क्स ऑफ आईपी। नेक्स्ट अपन यहाँ पे कर देते हैं सपोज दैट फिजिक्स, एंड मैंने यहाँ पे लिखा पी एच वाई, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फ्लॉट किया एंड इनपुट, और देन यहाँ पे अगेन एक मैसेज देते हैं इंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स। ये एक मैसेज है जो देखिए अपन ने यहाँ पे थ्री सब्जेक्ट के मार्क्स है वो इनपुट किए। नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, सपोज दैट इनका अपन को परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं इसका टोटल करता हूँ एंड टोटल इज इक्वल टू, टोटल किसका करना है, मैथ्स देन प्लस आईपी और देन प्लस देन पीएचवाई। तो देखिए जो वेरिएबल अपन ने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं मैथ्स आईपी और पीएचवाई, उनमें वैल्यू जाएगी जो भी आप इनपुट करेंगे, और देन तीनों का अपन ने क्या किया है यहाँ पर टोटल कर दिया, इसको प्लस कर दिया, और देन जो वैल्यू रहेगी वो किसके अंदर जाएगी, आप टोटल के अंदर। इट मीन्स यहाँ पे अपना टोटल हो चुका है, देन अपन क्या कर रहे हैं परसेंटेज काउंट कर रहे हैं। तो देखिए परसेंटेज काउंट करेंगे तो मैंने यहाँ पे पीआर एक वेरिएबल लिया, अब इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं, देन टोटल इंटू 100 और देन डिवाइड बाई, जैसे नंबर ऑफ मार्क्स अपने 100 के हैं, देन मैंने यहाँ पे 300 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये अपना क्या होगा कि टोटल में जो भी वैल्यू होगी वो 100 से मल्टीप्लाई होगी, देन 300 से उसका डिवाइड हो जाएगा, एंड जो भी फिर वैल्यू आएगी वो किसके अंदर चली जाएगी, पीईआर के अंदर चली जाएगी। नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन प्रिंट करेंगे, देन मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। अब यहाँ पे मेरे को परसेंटेज प्रिंट करना है, तो सबसे पहले एक मैसेज देता हूँ द परसेंटेज, या अपन ऐसा करते हैं कि टोटल और परसेंटेज दोनों को ही अपन क्या करते हैं प्रिंट करते हैं। Then the total marks is, और फिर मैंने क्या किया डबल कोटेशन को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, टोटल मेरे को प्रिंट करना है, तो टोटल जो वैल्यू है वो किसके अंदर है, टोटल वेरिएबल के अंदर है। अगेन मैंने क्या किया कोमा यूज किया, और अब मैं क्या कर रहा हूँ परसेंटेज प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया द परसेंटेज इज, ये मैंने डबल कोटेशन में दिया है क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर एक मैसेज होगा और देन पीआर के अंदर जो वैल्यू होगी वो अपन प्रिंट कर रहे हैं, तो पीआर यहाँ पे क्या एक वेरिएबल है। तो देखिए मैंने लास्ट में क्या किया है, द टोटल मार्क्स इज, ये एक मैसेज होगा, एक स्ट्रिंग होगी जो ऐसी ऐसी प्रिंट होगी, और देन टोटल, टोटल यहाँ पे क्या एक वेरिएबल है, आप देख पा रहे हैं इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट होगी, देन अगेन एक मैसेज प्रिंट होगा द परसेंटेज इज, और देन उसके बाद में क्या होगा पीआर वेरिएबल, पीआर वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। पीआर यहां पे क्या होगा कैलकुलेशन होगी किसकी, टोटल इनटू 100 डिवाइड बाय 300। तो ये अपना प्रोग्राम बन चुका है, देन अपन क्या करते हैं इसको सेव करते हैं, देन मैं यहां पे सेव पे क्लिक करूंगा
और यहाँ पे मैंने इसको सेव किया है कैलकुलेट परसेंटेज, देन डॉट पीवाई अपना एक्सटेंशन है, इसको अपन क्या करेंगे सेव करेंगे। नेक्स्ट अपन को क्या करना है, इस प्रोग्राम को रन। तो देखिए ये अपन एक प्रोग्राम बनाए हैं, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करते हैं तो रन पे जाते हैं और देन अगेन रन पे क्लिक करते हैं। जैसे अपन रन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं राइट साइड के अंदर यहाँ पे आ रहा है टू कैलकुलेट परसेंटेज, जो मैसेज आपने यहाँ पे प्रिंट किया था वो मैसेज आ रहा है। उसके बाद में फर्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, इंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स। तो यहाँ पे आया इंटर द मार्क्स ऑफ मैथ्स, यहाँ पे सपोज दैट मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया 78। तो जैसे मैं 78 लिख के मैं जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पर जो मैथ्स वेरिएबल बना है उसके अंदर ये वैल्यू चली जाए, इट मीन्स ये वैल्यू उससे लिंक हो जाए। तो यहाँ पे इंटर करते हैं अपन। उसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट आपका जो स्टेटमेंट आ रहा है वो क्या आईपी का आ रहा है, इंटर द मार्क्स ऑफ आईपी, ये मैसेज में आ रहा है। जैसे आप आईपी के अंदर यहाँ पे कोई भी मार्क्स इनपुट करते हैं वो आईपी जो वेरिएबल यहाँ पे आपने बनाया है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, या अपन कह सकते हैं इससे लिंक हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे किया, तो मैंने यहाँ पे किया 97। नेक्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, अगेन अपने पास मैसेज आ रहा है इंटर द मार्क्स ऑफ फिजिक्स, तो यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया मार्क्स इनपुट कर दिए 96। उसके बाद में क्या होगा, मैंने यहाँ पे इंटर किया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आंसर क्या रहा है, द टोटल मार्क्स इज 271.0 और द परसेंटेज इज 90.33। इट मीन्स कि जब आपने मार्क्स इनपुट किया तो मैथ्स आईपी और पीएचवाई वेरिएबल के अंदर ये तीनों मार्क्स चले गए, और देन यहाँ पर सबसे पहले क्या कैलकुलेट हो रहा है, टोटल, टोटल में क्या हो रहा है तीनों का प्लस हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है। तो परसेंटेज जैसा अपन नॉर्मली मैथ्स के अंदर करते हैं वैसे अपन ने कैलकुलेट किया है, और उसके बाद में आपका क्या हो रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, सबसे पहले एक मैसेज आएगा द टोटल मार्क्स इज, ये आपका मैसेज आया। उसके बाद में टोटल के अंदर जो वैल्यू है, टोटल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट अगेन क्या होगा, द परसेंटेज इज, ये एक मैसेज प्रिंट होगा जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और उसके बाद में क्या होगा 90.33, ये वैल्यू कहाँ से प्रिंट होगी, पी आर वेरिएबल से, ये पी आर वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू कैलकुलेट कहाँ से हो रही, यहाँ से हो रही। ठीक है, तो ये अपना कि कैसे अपन मार्क्स इनपुट करते हैं और कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं, उसको आउटपुट में, रिजल्ट में रखते हैं। ओके, थैंक यू।